नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2021-22 में। अगर आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था तो परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करने के लिए आपको केवल 5 शहरों में से किसी एक शहर को सिलेक्ट करना था। दोस्तों, महिला सुपरवाइजर का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गया है और एग्जाम सेंटर 5 ही था, तो परीक्षा केंद्रों में वृद्धि के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप दूर दूर में अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किए हैं तो आप अपने नज़दीक में अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो उसे किस प्रकार से सुधारेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 2021 हेतु परीक्षा जिला चयन के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत पर्यवेक्षक पदों हेतु खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा इसके लिए 3/12/2021 से 30/12/2021 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट था। पहले यह परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित किया जाना था, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि एवं अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु यह परीक्षा केंद्र अब प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आप 31/12/2021 से 4/1/2022 तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम सेंटर को अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ व्यापम में जो वैकेंसी निकाला जाता है उसमें परीक्षा केंद्र को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण आप अपने एग्जाम सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके फॉर्म में यदि किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो उसे कैसे सुधारेंगे और अपने परीक्षा केंद्रों को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट हमें ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए रेड कलर का ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया है संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए 10वें नंबर ऑप्शन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है, तो यहाँ पर 10वें नंबर ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन की स्थिति या त्रुटि में सुधार सुविधा, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉगिन का नया पेज हमारे पास ओपन हो गया है। इस पेज को हमें डेस्कटॉप साइड मोड पे ऑन कर लेना है, तो यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा है, यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आईडी को लॉगिन करना होगा। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी इंटर करना है, जो आपने महिला सुपरवाइजर के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है। यहाँ पर जैसे कि फॉर्मेट दिया गया है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1989 है तो यहाँ पर आपको 09/06/1989 फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे में जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पर उसे ऊपर में आपको फिल करना है। इसके बाद जस्ट लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपने आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। आईडी लॉगिन कर लेने के बाद नीचे हमें स्क्रॉल करना है, इसमें आप अपने सभी डिटेल को देख सकते हैं। इसके बाद अपने फॉर्म को सुधारने के लिए यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल का बटन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है एडिट के ऑप्शन में आ गया है, तो यहाँ पर नीचे हमें स्क्रॉल करना है। यदि दोस्तों आपके पर्सनल डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं।
यदि आपके एड्रेस में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो यहाँ पर इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे में देखिए, यदि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर के नीचे में एग्जाम सेंटर दिया गया है। यहाँ पर जस्ट आपको जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर मैंने सिलेक्ट किया था, इसे मैं यहाँ पर रायगढ़ जिला सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जस्ट आपको रायगढ़ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे हमें स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आई एग्री वाले बटन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पर इसे ऊपर में फिल करना है। इसके बाद जस्ट सबमिट वाले बटन में क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप अपने एग्जाम सेंटर या फिर आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको ₹50 पे करना होगा। अपना फॉर्म सुधार लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जस्ट हमें सबमिट वाले बटन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर जस्ट ओके वाले बटन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने डिटेल को एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद जस्ट नीचे में हमें पे वाला बटन शो करेगा, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ₹50 पे करना है, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे बंद दिया गया है, यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले बटन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग तीनों में से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर इसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके ले लेना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको महिला सुपरवाइजर के फॉर्म में त्रुटि में सुधार व परीक्षा सेंटर में कैसे परिवर्तन किया जाता है इसके बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।